हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमिता किचन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आलू का चीला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा होता है और आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं, और जाड़े के मौसम में तो ये और भी टेस्टी लगता है। आप इसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी या फिर चाय किसी के भी साथ खाएँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू का चटपटा चीला। इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आलू का चीला बनाने के लिए हमने 2 उबला हुआ आलू लिया है। सबसे पहले हम इसे ग्रेट करेंगे। आप इसे मैश करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसे अच्छे से मैश करें जिससे उसमें लम्ब ना रहे। हमने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसी में हम 2 कप के करीब गेहूँ का आटा डालेंगे। आटा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने लहसुन, प्याज और 1 लाल मिर्च और अदरक को पीसकर उसका पेस्ट बना लिया है। इसे डालेंगे, इससे चीला चटपटा बनेगा। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 टीस्पून मंगरेल डालेंगे, जिसे कलौजी भी कहते हैं। इससे चीले का टेस्ट और खुशबू दोनों अच्छा आता है। अगर आप अजवाइन का टेस्ट पसंद करते हैं तो इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने लाल मिर्च पीसा भी है, और 1 चम्मच और डाल देंगे तो ये और चटपटा हो जाएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इसे हम क्रश करके डालेंगे तो इससे इसका खुशबू बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें जाएगा कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम सब्जी मसाला डालेंगे। आप जो भी मसाला यूज करते हैं डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी डाल दें तो भी ये चटपटा बनेगा। अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ और इसे फेंटते जाएँ। इसे अच्छे से फेंटें जिससे इसमें लम्ब ना रहे। इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इस तरह का बैटर बना है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। और ये देखिए, गिराने पर ये इस तरह से गिर रहा है। आप इसे तुरंत से ही बना सकते हैं, लेकिन हम इसे 5 मिनट रख देते हैं तो ये थोड़ा फूल जाएगा तो चीला अच्छा बनेगा। तो अब हम इसे इसी तरह ढक के 5 मिनट के लिए रख देते हैं। हमने इसे 5 मिनट रख दिया था, अब ये फूल गया है। अब हम इसका चीला बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रखने पे थोड़ा ज़्यादा सूख जाए तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल दें, तब चीला बनाएं। ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना है हमारा। हमने गैस पे तवा रखा है, आज इसे हम आयरन तवे पे बनाएंगे। अगर नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप इसे आयरन के तवे पर भी बना सकते हैं। आयरन के तवे पर भी आसानी से बन जाता है। इस पर हम 1/2 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं इस पर डाल दें। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और तवा को हम गरम होने देंगे। तवा गरम हो गया है, अब इस पर हम बैटर डालेंगे। इसे हम एक कलछी से डालेंगे, छोटा बड़ा जैसा भी कलछी हो आप उसी से डालें तो सारे चीला एक बराबर बनेंगे, न मोटा न पतला। हमने 2 कलछी डाला है, ये हमने छोटा कलछी लिया है, आप बड़े कलछी से भी डाल सकते हैं। अब इसे हम फैला देंगे इस तरह से, जिससे ये चारों तरफ अच्छे से फैल जाए, जिससे ये थोड़ा पक जाए। 2 मिनट हो गया है, अब ये थोड़ा पक गया है। अब इसे हम धीरे से पलट देंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर हम 1/2 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे, जिससे ये नीचे की तरफ भी अच्छे से पक जाए। इसी तरह 2 मिनट छोड़ देते हैं। इसे हमने 2 मिनट छोड़ दिया था, और ये देखिए, अब ये दोनों तरफ अच्छे से हो गया है। अब इसे हम पलट लेंगे और ये देखिए, अब ये हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम और भी चीले बना लेंगे। तवे पे हम 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे हम चारों तरफ फैला देंगे इस तरह से। अब इस पर हम बैटर डालेंगे, 1 कलछी, और ये 1 कलछी और डाल देते हैं, और इसे हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इसे हम इस तरह से
तवा घुमा देंगे तो ये अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा। आप इसे कलछी से भी फैला सकते हैं, ये देखिए। और इसे हम इसी तरह 2 मिनट छोड़ देंगे। अब ये 2 मिनट हो गया है, अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम उलट पलट के अच्छा ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और इसी तरह से हम सारे चीले बना के रेडी कर लेंगे। अब चीले बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे टोमेटो सास, चिली सास, हरी धनिया की चटनी किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।